हे गाइस, हाय, गुड आफ्टरनून। अभी और एक मूवी का ट्रेलर देखेंगे, मूवी के टैगलाइन के बारे में बात करेंगे। द बेस्ट मूवी, अनदर वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2018, बर्ड बॉक्स, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। एक्टिंग है सैंड्रा बुलक की और ज़ारा सेलेजर, जो अलीटा मूवी में है। नाम प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो इसमें है। तो स्टोरी लाइन ये है कि एक मॉन्स्टर है, कहीं पे भी तो एक मॉन्स्टर है, एक घोस्ट है, वो सभी लोगों को हॉन्ट कर रहा है। और जो कोई उस मॉन्स्टर को देख लेता है, वो ऑटोमेटिकली उसका माइंड उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में आ जाता है और लोग पागल हो जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। और इन सभी से बच के ये जो मॉम है, सैंड्रा बुलक ने रोल किया है, सिंगल मॉम, अपनी दो बेटियों को लेके ऐसी जगह पे जाना चाहती है जहाँ पे उस मॉन्स्टर का इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे लोग है। और उस टाइम वो एक बर्ड बॉक्स कैरी करती है जिसमें दो बर्ड है। तो इस मूवी का नाम इसके ऊपर रखा गया, बर्ड बॉक्स। अब इसकी थ्योरी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियो बनाए, मैंने भी एक वीडियो बनाई। मेरी सिंपल थ्योरी ये है मूवी के बारे में, जो इसमें मॉन्स्टर दिखाया गया है, वो मॉन्स्टर है हम लोगों के बीच का मिसकम्युनिकेशन, हम लोगों के एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट ना होना, एक दूसरे की बातें तीसरे चौथे को बता के पूरा कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ये मॉन्स्टर है इस मूवी में। कहीं पे भी मोबाइल, सोशल मीडिया, बाकी कुछ भी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो हमने अभी सोसाइटी में मॉन्स्टर बना के रखा है, मोबाइल, गैजेट्स, नहीं, ये नहीं है। मेन मॉन्स्टर है इग्नोरेंस। लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, झूठ बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जलते, ये मेन मॉन्स्टर है। ये मेरी थ्योरी है। और उस मॉन्स्टर को मत देखो, इसलिए वो आंखों पे इन्होंने पट्टी लगा के रखी है सैंड्रा बुलक जी ने। और टिल द एंड वो आंखों की पट्टी मतलब देखना ही नहीं इन चीजों को, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, उस आदमी के ऊपर, पर्सन के ऊपर विश्वास करना है। यहाँ पे वो पर्सन, वो आदमी, उनकी दो बेटियां हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करती है, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करती है, और उसी ट्रस्ट की वजह से वो जिंदा बच जाती है। ये मेरी थ्योरी है अबाउट दिस मूवी। सो अगर आपने मूवी देखी है, नहीं देखी है, तो जाके देखिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपकी क्या थ्योरी है इस मूवी के बारे में, प्लीज़। और मेरी थ्योरी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। एंड 101% ये मूवी देखिए, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2018, मेरे लिस्ट में भी ये शामिल है मूवी 2018 की बेस्ट मूवी सीरीज में। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर वन ऑफ बर्ड बॉक्स। Hear something in the water, you tell me.
ये ट्रेलर नंबर वन, वेट टाइम ट्रेलर नंबर फाइनल ट्रेलर देखेंगे इसका। ट्रेलर नंबर टू लेट्स वॉच। Story time. You know, when I was young, we had a boat. And every single summer, we'd take it to the lake. And there was love. And there was family. It was a wonderful time. इसमें ट्रेलर वन में एक जगह पे वो जो मेन एक्टर है सैंडरा बुलक के साथ में, वो बोलता है योर चिल्ड्रन डिजर्व्स होप। और इसमें एक लाइन है जो मतलब हम आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट में आते हैं उससे ये इविल आया है, ऐसा है। और एक इसमें सेंटेंस में बात करते हैं जो मिलिट्री वाले लोग जो देखते रहते कि क्या है ये, कोई केमिकल वेपन नहीं है, ये कोई डिसीज नहीं है, तो ये क्या है। सो जो मैंने थ्योरी बोली थी स्टार्टिंग में, मैं उसी पे अभी भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मेरी वही थ्योरी है कि और एक है, बर्ड्स हमें उस चीज़ के बारे में अलाउ क्या बोलते हैं अलर्ट करते हैं। सेम वे में आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे बर्ड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है या फिर डॉग ज़्यादा बार्किंग कर रहा है या फिर कोई भी एनिमल ऐसे कर रहा है, तो वो नेचर से हमें एक ये मिलता है संदेश कि कुछ तो रॉन्ग है। जैसे बोला जाता है कि डॉग की आईसाइट या फिर कैट की आईसाइट ह्यूमन के आईसाइट से ज़्यादा रहती है, जिससे उनको सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई देती है, ऐसा बोला जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो मे बी ये मॉन्स्टर ऐसा हो सकता है या फिर ये मॉन्स्टर वो हो सकता है कि हम अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया इन सभी चीज़ों को, लेकिन ये मॉन्स्टर रियल में ये है, हमारा इग्नोरेंस, हमारा ट्रस्ट ना रखना एक दूसरे के प्रति, अननेसेसरी चीज़ें बोलना, अननेसेसरी बातें पीछे पीछे बात करना, डरना। उसमें और एक चीज़ है बोली गई है कि अननेसेसरी जो फियर, आपका जो डर है उसके ऊपर वो मॉन्स्टर बड़ा होता है और बड़ा होता है। सो अननेसेसरी डरना, ये सभी आपके मॉन्स्टर है। ये मेरी थ्योरी है बर्ड बॉक्स के बारे में। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसकी विजुअल्स, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके पिक्चर इतने एंगेजिंग है, एक बार आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो टिल द एंड यू विल नॉट मूव, ऐसे ऐसे आप मूव नहीं करोगे। सुपर मूवी है, हर किसी को देखनी चाहिए, हर एक को मैं रिकमेंड करता हूँ। जाइए जाके ज़रूर ये मूवी देखिए, और अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी थ्योरी बताइए, मेरे थ्योरी से मैच करती है नहीं करती है, आपकी डिफरेंट थ्योरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे वीडियोस रेकमेंड कीजिए, मुझे ऐसे ही वीडियोस रेकमेंड कीजिए जिनके ऊपर मैं देखूँ, जिनके ट्रेलर के ऊपर मैं रिएक्शन कर सकूँ। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, पीस।